14 दिसंबर को नाइट की फ्लाइट थी हमारी, यूएस की जा रहे थे मैं और ज्योति। एक दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्लाइट 1 बजे रात को नहीं है, अब 2 बजे है। हम दोनों गए, फ्लाइट बोर्ड किया। 150 पे मुझे कुछ ऐसा हुआ और मैंने ज्योति को बोला कुछ हो रहा है, एकदम से लेफ्ट साइड पे सेंसेशन है, सांस रुक गया। 1 मिनट में यह सब हुआ और एक दिन पहले ही ज्योति ने मुझे बोला कि आप पास में सॉर्बिट्रेट रख लेना। जिंदगी में उसने मुझे कभी नहीं बोला और पहले मेरे माइंड में आपने डाला कि सॉर्बिट्रेट साथ में रखनी, वो मैंने अपने इस स्पेक्स कवर में रखी साथ में कि मेरे पास ही रहेगी। तो मुझे अच्छा भला हूँ, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट में ही कुछ ऐसा हुआ, लेस देन 1 मिनट। तो ज्योति साथ ही बैठी थी, तो मैंने ज्योति को बोला बस कुछ हो रहा है, और सॉर्बिट्रेट मैंने निकालते निकालते ऐसे पकड़ा और उतनी देर में मुझे लगा कि मैं जा रहा हूँ, सांस मेरा बंद हो गया है, और मैंने उसको बाय बोला, बाय। और उसके बाद उसने मेरे मुंह में सॉर्बिट्रेट डाली और मुझे नहीं पता 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कितनी देर के बाद मुझे होश आया और मैंने तो उनको बाय बोल दिया, तो मैं तो चला गया। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के बाद ज्योति ने बुलाया, दादा क्या कर रहे हैं, दादा आ जाओ। मुझे नहीं पता उन्होंने किस तरीके से आपको याद किया, बाद में उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो दादा को बुलाया, दादा प्लीज़ आप आए देखें इनको। और कुछ देर के बाद मुझे होश आया, मैंने आंखें खोली थोड़ा सा, मतलब जस्ट ऐसे, तो मैंने बोला अच्छा अभी मैं दुनिया में ही हूँ, धरती पे, थैंक यू दादा। उसके बाद फिर एमरजेंसी में मुझे ले जाया गया, टेस्ट किए गए, कार्डियक अटैक था, लेकिन इको में भी नुक्स था जो इनके मुताबिक, ईसीजी में भी था फॉल्ट। लेकिन जैसे ही एंजियोग्राफी की गई सुबह सुबह उसी समय एयरपोर्ट से सीधा हम हॉस्पिटल गए, लेकिन एंजियोग्राफी में सारी की सारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन थी, बिल्कुल क्लियर था, कुछ भी नहीं था। और एयरपोर्ट से निकलते निकलते ज्योति ने मैसेज किया मैत्रीलाइट ग्रुप में, और रात को 2 बजे निखिल जी का फोन आता है मैत्रीलाइट के लिए, और इन्होंने मैत्रीलाइट दी जब मैं एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैत्रीलाइट के बाद एंजियोग्राफी की गई तो सारी की सारी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन थी। और अब उसके बाद जैसे 1 महीना कुछ दिन हो गए हैं, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं डिवाइन लाइट का एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर करता हूँ कि मैं डिवाइन लाइट के सामने हमेशा बैठकर मैं सिर्फ यही प्रेयर करता था जब मैं यंग था, 18-20 साल का, जब मेरी शादी हुई थी 27 इयर्स की एज में, एक या फिर आप जैसा बॉडी जो मेरी है वो ऐसी बन जाए कि मेरा जो वेट है वो कम हो जाए, पेट मेरा अंदर चला जाए, यंग हो जाऊं, उस उतनी मेरे में एनर्जी आ जाए जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं 22-25 साल का था। तो लिटरली मैं सबको बता रहा हूं, मतलब आज मैं वैसा ही फील कर रहा हूं।